अनीता नीलगिरीज में एक बैंक में काम करती हैं और अकेली रहती हैं। उन्होंने अपनी ठीक से देखभाल करते हुए एक सक्रिय जिंदगी गुजारी, लेकिन अचानक उनके हाथ के नीचे एक दर्द शुरू हुआ जिसने उनकी जिंदगी की रफ्तार धीमी कर दी। जुलाई 2002 में मेरी बगल में जोरदार दर्द हुआ। मुझे लगा कि मैं अकाउंटेंट हूँ, इसलिए शायद ये पैसे गिनने और कंप्यूटर पर काम करने के कारण है। मुझे अक्सर ही तेज बुखार रहने लगा, मैं चल भी नहीं पाती थी, इसलिए मुझे छुट्टी लेकर घर रहना पड़ता था। दो दिन में अपने आप बुखार कम हो जाता और मैं नौकरी पर चली जाती थी। इसी तरह 6 महीने गुजर गए। जब अनीता बार बार ये दर्द महसूस करने और बीमार रहने लगी तो वो समझ गई कि ये सिर्फ काम से होने वाली थकान नहीं है, लिहाजा उन्होंने डॉक्टर से मिलने का फैसला किया। मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास गई और उन्हें बताया कि मुझे अपनी बाईं ब्रेस्ट में एक बड़ी गांठ सी महसूस होती है जिसमें काफी दर्द होता है। फिर डॉक्टर ने जांच करके बताया कि वाकई मेरी बाईं ब्रेस्ट में बड़ी गांठ है और उन्होंने झटपट ऑपरेशन करके इसे निकालने की सलाह दी। अनीता का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने उनकी बाईं ब्रेस्ट से 5x5 सेंटीमीटर की गांठ निकाली और इसे जांच के लिए भेज दिया। कुछ दिन बाद जो रिजल्ट आया उससे पता चला कि ये अनीता के ब्रेस्ट कैंसर की एडवांस स्टेज थी। हालांकि अनीता इस खबर से हिल गईं, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। डॉक्टर इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे कि वो इस कैंसर का इलाज कर पाएंगे या नहीं। मैंने डॉक्टर से कहा, आप अपनी पूरी कोशिश कीजिए, बाकी मेरे परमेश्वर संभाल लेंगे। इस बीच मैंने जाकर यीशु की उपासना की और कहा, मैं तो आप में आस्था रखती हूँ, फिर आपने ऐसा क्यों किया? मैं नहीं जानती कि इसे कैसे स्वीकारूं, पर मैं आपसे इसका कारण नहीं जानना चाहती, क्योंकि मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी। आपने मेरी जिंदगी के लिए शायद कोई अलग योजना बना रखी होगी। जीवन में आरंभ से ही अनीता ने यीशु को अपना व्यक्तिगत संरक्षक मान लिया था और सदा उनके उपदेशों पर चलती आई थी। मैं जब उपासना कर रही थी तो परमेश्वर ने बाइबल के एक छंद की ओर मेरा ध्यान खींचा। ये आयजाया 54:7 में है, मैंने तुम्हें कुछ पल के लिए छोड़ा था, पर मैं तुम्हें प्यार के साथ फिर से वापस लेता हूँ। बस ये छंद पढ़ते ही मुझे उम्मीद बन गई कि मैं जिंदा रहूँगी, मैं कैंसर के कारण नहीं मरूंगी। केवल परमेश्वर के शब्दों ने ही मुझे शक्ति दी। आगे के इलाज के लिए मैं चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल गई। डॉक्टरों की चर्चा में सिर्फ एक ही डॉक्टर ने कहा कि मेरी ब्रेस्ट हटाने के बजाय क्यों ना कंजर्वेटिव सर्जरी की जाए। इस ऑपरेशन में ब्रेस्ट के सिर्फ प्रभावित टिश्यूज को ही निकाला जाएगा। मैं परमेश्वर की बड़ी शुक्रगुजार थी कि कैंसर की एडवांस स्टेज होने के बावजूद भी मेरी पूरी ब्रेस्ट निकालने की नौबत नहीं आई। हालांकि सर्जरी में उन्हें तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन उनकी उपासना और बाइबल के छंदों के कारण उन्हें काफी मानसिक और शारीरिक शक्ति मिली। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर पुजारी मेरे पास आए और बोले, अनीता हम ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं, तुम अपनी आराधना आरंभ करो। मैंने फौरन आराधना शुरू कर दी। सुन्न होने के कारण मैं अपना मुंह खोलकर प्रार्थना नहीं कर पा रही थी, लेकिन मुझे अंदरूनी एहसास था कि इस समय यीशु मेरे साथ हैं। मुझे ऑपरेशन थिएटर में अपने सामने एक ब्लैक बोर्ड नजर आया। मैंने बाइबल के एक छंद को एक हाथ द्वारा उस पर लिखते देखा। ये साम्स 23:4 है, अगर मुझे बेहद घने अंधेरे से भी गुजरना पड़े तो भी मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। ऐसे भी वक्त आए जब अनीता का विश्वास डगमगाया, पर यीशु की शक्ति उन्हें बराबर ऊर्जा देती रही। एक दिन जब मैं अपनी बहन की मदद से नहा रही थी तो अचानक मेरे सिर के बाल मेरी बहन के हाथ में आ गए। मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि बाथरूम जाने से पहले तक तो मेरे खूबसूरत लंबे काले बाल मौजूद थे, पर बाहर आई तो कुछ नहीं बचा था। मैं सोचने लगी, अब मैं कैसे लोगों का सामना करूंगी, कैसे बैंक जाऊंगी। तभी परमेश्वर ने मेरे मन में बाइबल के एक छंद को ताजा किया, उसकी इच्छा के बिना सिर से एक बाल भी नहीं गिर सकता। इससे मेरी हिम्मत बढ़ी और फिर मैं एक विग शॉप पर गई, वहां से विग खरीदी और बैंक चली गई। मुश्किल के इस पूरे दौर में चर्च के सभी सदस्यों ने उनका पूरा साथ दिया, उन्हें दिलासा दिया और उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की। चर्च के सभी लोगों ने मेरे लिए फास्ट रखा और उपासना की। सिर्फ चर्च के लोगों ने ही नहीं, मेरे ईसाई दोस्तों और परिवार के लोगों तथा रिश्तेदारों ने भी मेरे लिए पूरे मन से प्रार्थना की। मेरे साथ ही कैंसर के और कई रोगियों का इलाज हुआ, पर वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुके हैं, पर परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा है, मुझे बचाया है।
18 महीने तक चले सघन इलाज के बाद अनीता की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। अनीता को लगता है कि केवल परमेश्वर के कारण ही वो जीवित बच पाई और स्वस्थ हुई। बहुत से लोगों ने कहा कि मैं इस बीमारी से नहीं बच पाऊंगी। बहुत से लोगों का कहना था कि ये अनीता का आखिरी जन्मदिन है, पर मुझे जीने की पूरी उम्मीद थी। रेडिएशन के बाद मेरे बाल फिर उगने लगे, जिससे मुझे नई उम्मीद और खुशी मिली। धीरे धीरे मेरे हाथों की सूजन घटने लगी और मैं छोटी छोटी चीजें उठाने में सक्षम हो गई। मैं अपने ऑफिस में फिर से सामान्य ढंग से काम करने लगी। आज अनीता एक स्टेट बैंक के फॉरेन एक्सचेंज विभाग की इंचार्ज हैं। वो अपना खाली समय कैंसर के शिकार लोगों को समझाने में बिताती हैं और उन्हें प्रेरित करती हैं कि वो अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए यीशु में आस्था रखें। अगर हम ये बात स्वीकार कर लें कि परमेश्वर ने हमारे लिए कोई खास योजना बना रखी है, तो वो यकीनन हमें आशीर्वाद देंगे। आज मैं कैंसर के बहुत से मरीजों से मिलती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि मैं भी इस पीड़ा से गुजर चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कीमोथेरेपी, रेडिएशन और बालों का गिरना क्या होता है। इसलिए परमेश्वर में उम्मीद मत छोड़ो। उन्होंने मुझे ब्रेस्ट कैंसर से बचाया और इस तरह उन्होंने मुझे कैंसर मरीजों का सलाहकार बनाया। वही हमारी एकमात्र आशा है। हालांकि जीवन में मुश्किलें आती हैं, पर वो उनमें से हमें बाहर निकलने की ताकत भी देते हैं।